फ्रेंड्स, इंडिया में बिटकॉइन और इथेरियम जैसी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर प्रतिबंध लगने जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि बिटकॉइन और अदर डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर संभावित प्रतिबंध के बीच इंडिया सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को अपनाने पर विचार कर रहा है और ये कदम भारत के डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जोखिमों के बारे में कई चिंताओं को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के समान लाभ प्रदान कर सकता है। हालांकि CBDC जोखिमों को कम करते हुए अधिक नियंत्रण प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन और इथेरियम जैसी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है भारत सरकार, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रॉडों का सामना करना पड़ता है जो कि होल्डर है, यूजर है। और CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च होने के बाद इससे इन फ्रॉडों को और स्कैमों को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट की अगर माने तो इस पर लिखा हुआ है, भारतीय नियमों के डिजिटल करेंसी में आर्थिक स्थिरता से समझौते किए बिना वित्तीय समस्या को हल करने की भारी क्षमता है और दूसरी ओर देश समर्थित डिजिटल करेंसी को एक अधिक सुरक्षित समाधान प्रदान करने के लिए माना जाता है। इंडिया क्रिप्टो बैन और CBDC एडॉप्शन चल रही चर्चाओं के अनुसार भारत के अधिकांश नियामक क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने जैसे अधिक कड़े उपाय की ओर झुकाव रखते हैं। फिर भी इस तरह के चर्चाओं में शामिल संस्थानों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। अधिकारियों को लगता है कि स्टेबल करेंसी समेत डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी का लाभ से अधिक जोखिम पैदा करती है। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, CBDC बिना कोई रिस्क और जोखिम के आपको अदर क्रिप्टो करेंसी जैसा ही फैसिलिटी और प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है। और एक तरफ भारतीय रिजर्व बैंक CBDC को एडॉप्शन और दर में सुधार वैकल्पिक तरीके खोजने की कोशिश कर सकता है, लेकिन केंद्रीय बैंक पहले ही आम जनता के बीच एक छोटा डिजिटल करेंसी शुरू कर चुका है। फिर भी इसका दैनिक मात्रा केवल 18,000 है। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी को बदलने की रणनीति बनाई है, अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा हुआ है। और RBI का मानना है कि 2024 के अंत तक 1 मिलियन दैनिक लेन देन हासिल कर देगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल CBDC को प्रचलित करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगने की परिस्थिति इंटरनली चल रहा है और इस पर SEBI, RBI और भारत सरकार के क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं उनके बीच एक साझा बैठक हो रहा है और बहुत ही जल्द आपको CBDC और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग एक बड़ा न्यूज आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, बिटकॉइन, इथेरियम जैसी डिजिटल करेंसी या इंडिया से बैन हो जाएगा? आपका क्या थॉट है, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट और एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव फन।